तो मयूख भाई जो हैं यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, थोड़ी सी नींद ले रहे हैं। ले लो आराम से, बेहतरीन। बाइक किनारे खड़ी कर दिया है, मैं भी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ कुर्सी पे आराम से। भाई पौने 2 बज रहा है रात का, अभी हम लोग बक्सर भी नहीं पहुँचे हैं। यहाँ से बक्सर है करीब 60 किलोमीटर, 65 किलोमीटर है बक्सर। तो बहुत ज़्यादा थक गए थे तो सोचा थोड़ा देर आराम कर ले उसके बाद चले। 2:15 बज रहा है, 2 बजे यहाँ से आगे बढ़ेंगे, 15 मिनट जो है आराम करेंगे। सुकून की जगह मिल गई, हम लोग ने किसी ढाबे वाबे पे नहीं रोका, वहाँ भीड़ भाड़ रहती है, सुकून का चाहिए था। तो ये कोई दुकान होगी टपरी टाइप की तो बंद है, तो यहीं पे आराम फरमा रहे भाई। मज़ा आ रही है। सो लो मयूक, थोड़ी 15 मिनट सो लो बस, इससे ज़्यादा नहीं सोने देंगे। चलो भाई हम भी आराम करते हैं। आहा, क्या मज़ा मिल रहा है भाई। ओह हो, जो जितना वो वहाँ से निकलते निकलते जितना थके थे, दिमाग खराब हो रहा था, अब यहाँ लेट के वो इन सब चीज़ों से सुकून मिल रहा है। सही बात है, एकदम परेशान हो गए थे, गाड़ी सही करवा के आते आते। हाँ चलो आराम कर ले 15 मिनट, फिर मिलते हैं रोड पे। तो टाइम हुआ है 2:03। चलो हो गया रेस्ट अपना। तो वो ये लोकेशन थी, यहाँ पे हम लोग आराम से थोड़ी देर बैठ गए। हाँ कल रात वाला बढ़िया खींचा था। भाई लोग, आप लोग व्लॉग एंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कर रहे हो तो दबा के लाइक मारते रहो, नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो ताकि और भी लोग ऐसे एपिसोड ऐसे व्लॉग एंजॉय करते रहे, बाइक टूरिंग के, राइडिंग के, ट्रैवलिंग के सारे मज़े आपको हमारे ही चैनल पे मिलने वाले हैं। तो भाई बक्सर, बक्सर के बॉर्डर पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे है बिहार पुलिस का चेक पोस्ट और अभी जब ये ब्रिज पार कर जाएंगे तो आएगा यूपी बॉर्डर का चेक पोस्ट। ये है गंगा ब्रिज अपने यूपी और बिहार का बॉर्डर। आ गया भाई यूपी पुलिस वाला चेक पोस्ट, बहुत तगड़ा चेक पोस्ट है। पर यार हम लोग को कोई रोकता ही नहीं है, पता नहीं क्या है। आ गए भाई हम अपने गाजीपुर वाले रोड पे। अब यहाँ से हमें गाजीपुर जाना है, गाजीपुर जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चल जाएंगे।
बक्सर से गाजीपुर वाला जो रोड है सिंगल है बट सन्नाटा है, सुकून है, आराम से चले जा रहे हैं और रोड अभी तक अच्छी है। आगे थोड़ी सी ख़राब मिलेगी जहाँ पे सिटी आएगा गाजीपुर का, बस वहाँ पे थोड़ी सी ख़राब है, अभी तो ठीक मिल रही है। बढ़िया सन्नाटे सन्नाटे दोनों लोग निकले जा रहे हैं, लगभग 3:15 या 3:30 बज गया होगा, 3:30 बज गया होगा। दिख गया अपना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ओ हो, इसी का ही तो इंतजार था। ये आजमगढ़, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ओवरलोड वाहन प्रतिबंधित। ओके, बट मेरी तो ओवरलोडेड है ना, बाइक है ओवरलोडेड है, मयूख की भी ओवरलोडेड है, बट फिर भी जाएंगे। चलो भैया, पैसा देने का टाइम आ गया है टोल टैक्स पे, सारे बहुत सारे टोल टैक्स निकले होंगे एक जर्नी में, कहीं भी नहीं दिया पहले, बस आते समय पूर्वांचल पे दिया था, अब जाते समय देंगे, बाकी सारे टोल टैक्स फ्री रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू वेरी मच। देव भैया, इनको 345 रुपया मेरा चला जाएगा, इसका भी 345 जाएगा, देख लेना, 345 रुपया ले रहा है। कहाँ जा रहा है? पूरा लखनऊ। मालूम है, यूपी 78 DY 345 रुपया एक गाड़ी। हाँ हाँ मालूम है, मैं आया था अभी 4-5 दिन पहले आया था। चल गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किलोमीटर 355 टोल प्लाजा। हेलो, उसी वाला 345 रुपया गया सर, क्या नाम? पैसा नहीं है क्या? भाई तेरे को है 317 रुपया, 3380। मोहम्मद समीर। हाँ, पुलिस रोकती नहीं है क्या निकलने पे? ऐसा बता रहे हो, इतना घबरा रहे हो, चले जाते हैं, डंडा बड़ा करवाइए, कैसे निकल जाएंगे? निकलने वाले निकल जाएंगे, अगर निकल जाएंगे आगे नहीं पकड़े जाएंगे। ये चीज आप जानते हैं ना, हर गाड़ी वाले नहीं जानते, लेकिन आपको मालूम है तो कोई बात नहीं। पैसा डालो, नियत नहीं सही है बस, बाकी और कोई बात नहीं है तुम्हारी, बस तुम्हारी नियत नहीं सही है। कौन सी गाड़ी लेकर आए? नहीं, अब हम खुलवाएंगे, अब खुलवाएंगे, अब हम नहीं तो आप खोलो गाड़ी का, एक बार तो खुलेगा ही। अरे इनके ऐसा हमारा विचार नहीं है, हमारे बहुत गुस्सा हो रहा है। आदमी ये बढ़िया था इसलिए कुछ कहा नहीं, वरना खुलवाते जरूर।
सर्विस एरिया आ गया यार, कब से वेट कर रहे थे, बस चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे। नहायत कार आ ही गया सर्विस एरिया। अच्छा इधर से आप आओगे तो इधर जल्दी से सर्विस एरिया नहीं है, स्टार्टिंग में नहीं है, बट अगर लखनऊ की तरफ से आओगे तो टोल टैक्स कटाते ही आपको खान पान सुविधा मिल जाएगी, बट इधर तो बड़ा लंबा आ गया यार। चलो देखते हैं क्या मिल रहा है यहाँ पे। भाई धोखा हो गया यार, खाली पेट्रोल है, दिखाया था बोर्ड में खाली पेट्रोल मिलेगा। तुम नाखुश नाखुश क्यों लगने लगे अचानक? हम पता नहीं तुम्हारे चेहरे में मतलब एक्साइटमेंट कम हो गई, उस आदमी से मूड ऑफ हो गया क्या? नहीं हम तो उसे भूल भी गए थे, वो पता नहीं क्या पगला आ रहा था, है ना? वो तो पगला रहा था, कह रहा उधर आओ इधर आओ इधर आओ, जबरदस्ती पीछे पड़ा। ये देखो अपने वहाँ पेट्रोल 96 है, ओ भाई हम 105 में क्यों भरा लिया, फालतू भरा लिया। एक्सप्रेस पेट्रोल 102 का है, आप सोचो। मैंने भाई बता, बिहार में 105 रुपए लीटर सादा पेट्रोल, मतलब 105.84 106 रुपए लीटर के आसपास, अपने यहाँ अंदर आते ही देखो वो भी एक्सप्रेस वे पे 96 में मिल रहा है। यूपी में सर हमने नहीं, हमने देखा, हमने आए इतना महंगा अंदर रहे तो भाई 500 रुपए का डला दो ताकि आगे जा सके। चलो भैया फ्यूल डला लें हम अपने में, आगे अभी चलेगी हो सकता है 50 किलोमीटर के आसपास। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। सो फाइनली हम लोग करीब 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 लखनऊ पहुंचने के करीब हैं, और अभी लखनऊ पहुंचने से पहले हमें यही रेस्ट रूम जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का रहता है वो मुझे मिल गया। तो ये जाके मुझे फर्स्ट वाला मिला है, पता नहीं शायद फर्स्ट छूट गया है मे बी या नहीं, बट मुझे जो अब नज़र पड़ा है यही वाला पड़ा। तो बस यही थी कहानी भाई, पूरी रात बाइक चला, ये मतलब स्टार्टिंग तो चलाने की सुबह 2 बजे से किए थे, बट बाइक वाला सीन हो गया था, आप लोग को मालूम ही होगा क्या क्या सीन हुआ, क्या क्या चीज़ें चली हैं हम लोग के साथ। फिर रात में 9 बजे मैं खाना खा के जो बाइक दौड़ाई है भाई, कहीं रुक नहीं रहे थे, बस वही कमर सीधी करने के लिए 2-2 मिनट का ब्रेक ले रहे थे, उसके बाद से कंटिन्यूसली चल ही रहे थे। बहुत अच्छी अच्छी रोड मिलती गई बाद में, तो फिर रुका भी नहीं मैं, पूर्वांचल मिल गया तो और फिर चलता रहा। अब जाके एक ब्रेक लिया क्योंकि मयूक को हल्की सी नींद आ रही थी, मुझे तो नहीं आ रही थी बट हल्की हल्की भूख लग रही थी, इस वजह से रुक गया। तुरंत मैगी ऑर्डर किया, मैगी खाएंगे चाय पियेंगे फिर यहाँ से 9-11। चलो ऑन द वे मिलते हैं। यहाँ पे कम से कम पौन घंटा
रुक गए, मैगी वगैरह खाया, चाय पिया, कुछ देर आराम किया। अब चलने की हिम्मत हो पाई है, 1.5 घंटा शायद 1 घंटा रुके हुए हैं। जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे तो हल्का हल्का सूरज निकला था, अब थोड़ा सा और तेज़ हो गया है, मतलब और निकल आया है, अभी पूरी तरीके से नहीं निकला है। दिल्ली लखनऊ सीधा आजमगढ़ मोहम्मदाबाद लेफ्ट एग्जिट। करीब 40 किलोमीटर पहले मेरी बाइक रिजर्व में आ गई थी, 35 किलोमीटर पहले, और तेल लगभग ख़त्म हो गया है और फाइनली आ गया पेट्रोल पंप, जियो का आया है तो वहीं से डलाएंगे अब पेट्रोल। ख़त्म ही होने वाला था कि इतनी देर में आ गया। घसा हुआ है, सारे टायर बोल गए उसके उधर के लेफ्ट साइड के, राइट वाले वजन लेफ्ट साइड में हमें लग रहा तगड़ा वजन था, वेट ज़्यादा था। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे थोड़ा करीब 2 से 3 किलोमीटर का रनवे बना हुआ है, यहाँ पर फाइटर जेट वगैरह प्लेन वगैरह उतर सकता है। अगर भैया इस पर आना तो टाइम लेके आना, बहुत लंबा है, बहुत बोरिंग रास्ता है। सुबह से हम लोग चढ़े हैं तो बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, फिर कहीं रुक रहे हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, फिर चल रहे हैं, बस इसी तरीके से ये रास्ता कट रहा है, बहुत लंबा है यार। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है जिस पे अभी हम लोग चल रहे हैं, बहुत बोर होने लगे हैं, कुछ आ ही नहीं रहा, बस ऐसे ही खुले में चलते रहो। मायूब भी देखो बेचारा कहाँ जा कर रहा है, केला मेला जैसे हुए वैसे चला रहा है। चलो भाई सुल्तानपुर वालों उतर जाओ,
तुम्हारा ये रास्ता है लेफ्ट वाला, एग्जिट मार दो सुल्तानपुर वालों, अभी जगदीशपुर लखनऊ वाले बैठे रहो, बाय बाय सुल्तानपुर। सो लास्ट जहाँ पे रुके थे वहाँ से चले हैं, तो एक पैच पूरा पूरा 82 किलोमीटर का मारा है, और वो भी नेट एक घंटे में। तो अभी एक सर्विस एरिया आया, यहाँ पे पेट्रोल पंप था, छाई थी, तो कुछ देर के लिए 5 मिनट के लिए खड़े हुए हैं, अब वहाँ पे बैठ गया 5 मिनट के लिए। लू बहुत तेज़ चली, वरना कंटिन्यू चलते रहे, इतना तेज लू है, बट एक घंटे में 82 किलोमीटर मार दिया इतनी सड़ी गर्म में। और फिर 5 मिनट रुकते हैं, पानी पीते हैं, फिर मारेंगे कम से कम 50-70, मतलब अब पूरा कर देंगे, है ना, अब पूरा कर देंगे लखनऊ तक, मतलब ये एक्सप्रेसवे ख़त्म हो जाएगा अगले स्टॉप में। अपनी लाइन पे जो है ढाबा ही नहीं आ रहा है, कोई भी रेस्टोरेंट नहीं आ रहा काफ़ी देर से, चले चले परेशान है। तो इस तरफ वाला आया है, बाइक उधरी खड़ी कर दिया, अब जा रहे हैं इधर फान के। चलो भाई मैं तो पहुंच गया, कार आखिरकार फाइनली इस एक्सप्रेसवे को, इंडिया लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। बहुत चला लिया इस पे, बहुत 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 चला लिया भाई, हो आखिरकार आ ही गया। अलग छोड़ो, ये पूर्वांचल पार करना एक वो था, ये एक अलग मुश्किल चल रहा है। साला जो चढ़े हैं उतरने का नाम ही नहीं ले रहे दोनों। अबे पेट्रोल टंकी वाला क्या बात है, ये लो उड़ गया भैया, पूर्वांचल तक खत्म ही ना हो रहा, ये लो। कितने बजे चढ़े थे रात में? 1 बजे। नहीं यार, सुबह चढ़े हम लोग 3:30 बजे। ये इनका अब जाके भाई खत्म हुआ है एक्सप्रेसवे, अभी भी है 2-4-5 किलोमीटर बस, अब नीचे उतरेंगे, लखनऊ आएगा, फिर कानपुर आएगा, फिर अपना अपना घर आएगा। यार देखो खुशी भी है गम भी है, खुशी इस बात की है कि इतने दिन बाद घर जा रहे हैं, गम इस बात का है कि यार वो ट्रिप ख़त्म हो रहा है। अभी पूरी वीडियो आपके पास पहुँचेंगी भी नहीं,
दूसरी ट्रिप तैयार होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, किसी को बताना नहीं, दूसरी ट्रिप तैयार होने वाली है। तो दोस्तों करीब 4:30 बजे के करीब मैं इस एक्सप्रेसवे पे चला था और 4:30 अभी बजा है, तो 12 घंटा हो गया इस एक्सप्रेसवे पे राइड करते करते। 12 घंटे ज़्यादा हो गए हैं, बट इतना ज़्यादा धूप था, नींद आ रहा था, तो बहुत हम लोग रुकते रुकाते आए हैं, बहुत स्टॉप लिया है, स्टॉप देर देर कम से कम आधा आधा घंटा लिया है। वजह यही है कि इसमें ज़्यादा लू चल रहा है, धूप चल रहा है, सुबह जितना खींच पाए खींच लिया था, बट उसके बाद जैसे सूरज सर पे आ गया तो बहुत हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि हम लोग रात भर से राइड कर रहे हैं भाई, रात भर से। अब यार ये तो लखनऊ ले जाएगा, बट हमें तो जाना है कानपुर, अभी हम थोड़ा और आगे जाएंगे। लखनऊ का तो एग्जिट ये दिखा रहा है, तो अगर हम लोग आगे से भी जाते तो भी इधर ही ले जा रहा था, और इधर से शॉर्टकट ही है, उधर से चौने का है इसलिए उधर दूर तक बना है, इधर से उतरने का शॉर्टकट है, तो इधर ही से चल रहे हैं। हाँ तो भाई हमारी हालत देख लो कैसी हो गई है, मयूर हालत दिखाओ जरा, मेरी हालत देखो भाई, वो ये देखो, पूरा बिनने वाले लग रहे हैं। हाँ तो भाई हम लोग लखनऊ में पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से सिर्फ बचा है 70 किलोमीटर जाना है अभी, करीब लखनऊ में 70 किलोमीटर अभी, और 70 में कानपुर, उसमें तुम्हारा मेरा घर आगे आगे जितना होगा। हाँ मेरा घर 103, अब मेरा घर 80, तो चलो बस ये 2 घंटा मैक्सिमम 2 घंटे की और राइड है। टाइम क्या हुआ है, नहीं 4:45 बजे है, तो 6:45 अब 2 घंटा लग जाएगा, क्योंकि आप आराम आराम से जा पाएंगे ना 7 बजे तक तो। हाँ 7:45 बजे तक इजीली हम लोग घर के अंदर आराम फरमा रहे होंगे, तो एक बस नीचे उतर के अब जाके ये छोटी छोटी वाली कोल्ड ड्रिंक मिली है, तो तुरंत देखा दुकान रोक लिया, तो मैं एक मिलता पी रहा हूँ, मैं थम्सअप पी रहा, वाह बहुत रेस्ट मिला भाई, बहुत आराम मिला, बहुत मज़े करते करते आए कुछ भी कहो, बट हाँ गर्मी में करने वाला नहीं। अगर आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जा रहे हो तो नाइट में जाना, दिन में बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि दिन में करने वाला नहीं है। अगर हाँ ठंड का मौसम है तो आप दिन में जा सकते हो, बट अगर गर्मी का मौसम है तो बिल्कुल भी मत चढ़ना, क्योंकि इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है, अगर एक बार चढ़ जाओगे तो 350 किलोमीटर जो है आपको उतरने को नहीं मिलेगा, इतना लंबा है। हाँ अगर बीच में कहीं दूसरे गांव शहर जाते हो तो मिल जाएगा एग्जिट, बट ये जो पूरा एक्सप्रेस वे है लगभग 350 किलोमीटर का, 345 किलोमीटर के आसपास का है, तो गर्म में भाई बिल्कुल भी मत जाना दिन में, रात में जाओ बिल्कुल सेफ है। रिकमेंडेड भी करता हूँ कि नाइट राइड और नाइट ड्राइविंग आप एक्सप्रेस वे पे आराम से कर सकते हो, कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर से भाग गया मयूर, इतना हॉर्न दे रहे हैं सुनाई नहीं उसने, अब वापस पलटेगा। मयूर थोड़ा आगे निकल गया था, फिर पीछे आके वापस इस रोड पे आया। नवाबगंज टोल प्लाजा, ओ मेरे दोस्त,
मेरे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, फाइनली हम दोनों अपने कानपुर के नज़दीक मतलब पहुंच गए हैं। बस अब यहां से हम दोनों के रास्ते बढ़ते हैं। मयूख भाई थोड़ा सा आगे जाके राइड ले लेंगे, मैं थोड़ा सा सीधे चला जाऊंगा। और मयूख भाई को अभी यहां से करीब 12 या 13 किलोमीटर जाना है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अब 4 या 5 किलोमीटर जाना है बस। तो मयूख भाई और हम अब हम यहां से जो है जुदा होने जा रहे हैं। तो मयूख भाई ट्रिप कैसी लगी बताओ, ट्रिप कैसी लगी? एक नंबर। हम लोग आज 12वें दिन पहुँचे हैं और मयूख भाई मुझे मिले थे करीब मतलब 2 दिन पहले, ये कलकत्ता निकल गए थे कानपुर से, उसके बाद ये मुझे सिल्लीगुड़ी में मिले थे और मैं यहाँ से कानपुर से राइड स्टार्ट किया था, सिल्लीगुड़ी तक सोलो गया था, उसके बाद मयूख भाई ने मेरे साथ राइड ज्वाइन कर लिया था। फिर वहाँ से हम लोग लगातार एक साथ चलते रहे हैं, उसके बाद आगे कानपुर में अपनी राइड को एंड कर रहे हैं। तो मयूख भाई हम दोनों की जो जोड़ी थी, हम लोग की सोच थी, वो बिल्कुल फिट बैठी। पहली राइड थी इसके साथ और इतनी सिंक्रोनाइज्ड, जैसे कि दो क्रिकेटर होते हैं, एक बैट्समैन और एक रनर, दोनों मिलके रन बनाते हैं टीम के लिए, एकदम वैसे ही पूरा ट्रिप चल रहा था कि तुम इतना खींचो हम साथ देंगे, हम खींच रहे तुम साथ दो, और दोनों एकदम सेम टाइम पे ब्रेक, सेम टाइम पे जर्नी, सेम टाइम पे दोनों लेट उठ रहे थे, सेम टाइम पे डिसाइड कर रहे थे कि सुबह 5 निकलेंगे लेकिन 9 निकल रहे थे। मतलब जो भी हम दोनों के अंदर सोच थी वो सेम चल रही थी, इसी वजह से हम लोग की जो जर्नी है वो टोटली एकदम सेम और गुड और अच्छे से सेफली कंप्लीट हो गई। ऊपर वाला साथ रहा पूरे जर्नी में, काफी सारी चीजें गलत हो सकती थी जो नहीं हुई, जो लक साथ रहा, लेट भी हुए तो भी कोई बुरा नहीं हुआ क्योंकि धूप से बच गए चलने से, उस दिन लू इतनी ज्यादा चल रही थी। जो भी था बढ़िया था, ओवरऑल बहुत ही अच्छा था, मजा ही आ गया। तो चलो मयूख भाई अब जुदा होने का टाइम आ गया, अलविदा कहने का टाइम आ गया, मिलते हैं बहुत जल्दी। अभी तो बस हम दोनों को बिस्तर नज़र आ रहा है, सोएंगे भाई, रात से चले हुए हैं। रात 9 बजे हम लोग ने राइड स्टार्ट किया था मुजफ्फरपुर से। इसी के साथ अपने एपिसोड के आज फाइनल एपिसोड को एंड करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो ज़रूर 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 सब्सक्राइब करना, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल कर दिया करो जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। तो चलो भाई बाय बाय किया जाए, ओके, संभल के जाना, ठीक है, घर पहुंच के कॉल कर देना या मैसेज डाल देना, मैं भी पहुंच के। आप लोगों का सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, सपोर्ट किया इतना, और वीडियो को इसी तरीके से प्यार देते रहना। तो चलो भाई मिलते हैं अगली ट्रिप के साथ, अगर मौका मिला तो मयूख भाई के साथ फिर से ट्रिप करेंगे ज़रूर, पक्का होगी ज़रूर, क्योंकि मयूख भाई हमारी जो कॉम्बिनेशन है ना वो बिल्कुल इक्वल हो गया, एकदम बेहतरीन है, जय वीरू वाला सिस्टम हो गया, तो बहुत बढ़िया हम लोग का सेट हुआ। तो बहुत जल्द हम लोग नई ट्रिप जो है जल्दी से ज्वाइन करते हैं। तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, अगली वीडियो के साथ, अगले कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, राइट सेफ, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।